राम राम काका। राम राम भाई, राम राम राम। और कहीं हाल चाल? बढ़िया है साहब। हाँ भैया, कहीं कर रिया? अरे यार भाई, चना का गोड़ मर रहा है, उनका देख रहे यार। ये चना का गोड़? हाँ। तुम्हारे कहीं लगे आय से मर गया दादा? अरे ये कहीं इल्ली लगा, कहीं कीड़ो जड़ में लगा यार, ये मर रहा है यार। देखो ये लगी रही है, फिर पत्ता सूख रही है। ऊपर से तो कहीं बीमारी नहीं लगी है? हाँ, अंदर नीचे से लग रही है। नीचे से लगी रही? हाँ, है। तो हाँ। देखो आप कहाँ से लगी रही है बीमारी, बताओ तुम्हारे। हाँ, अच्छा, जैसे ये जो अपने सफेद सफेद जो दिख रही है फफूंद। अच्छा हाँ। ये देखो ऊपर से जड़ खाएगी। हाँ खाएगी, खाएगी, जड़ खाएगी। ये साइड साइड की छोटी छोटी जो जड़ थी। हाँ। इसको जो तणो है अपने कवा। हाँ, सही। तणा में भी सफेद सफेद फफूंद लगी थी। लगी, लगी। इसकी वजह से अपनो पौधो मरी गयो। मरी गयो, सही बात है। ये खाने से जो अपनो जो झाड़ है वो सूखी जाए। सूखी जाए, सही। ये जो अपना जड़ सूखे ने, इसको कारण यो है कि जब अपन चना बोवा। अच्छा। उना समय में कही है। हाँ। कि अपने जो चना को बीज रहे। अच्छा। उना बीज के अपने थोड़ा उपचारित करके बोना चाहिए। उपचारित काय हो यार भैया? उपचारित जैसो कि बीज रहे आयो अपनो। अच्छा। नहीं, अपने सोसाइटी से कल्चर दे। अच्छा। उना कल्चर में कही है कि ना फफूंद के मारने की। अच्छा। ताकत रहे, ताकत रहे। अगर उना बीज के अपनो ना कल्चर से। हाँ। या जो जो उपचारित करने को आज जैसे ट्राइकोडर्मा आई है। हाँ। हाँ। वो ट्राइकोडर्मा को काम यो करेगा, वो फफूंद जो है। अच्छा। उसे नाश करने को काम करे। अच्छा। अगर अपन ने बीज के उन्हीं टाइम में उपचारित कर दियो। अच्छा। ट्राइकोडर्मा से बोनी टेम में की बोनी को टेम में। अच्छा अच्छा। जब अपन बीज बोए। हाँ, हाँ। टाइम में अगर अपन ने ट्राइकोडर्मा से बीज के उपचारित कर दियो। अच्छा। तो बीज का आसपास कहीं है उसको एक लेप जैसी रहे कोट। हाँ, हाँ। असो दाना का आसपास बन गया। अच्छा अच्छा। अब बोई दा तो खेत में दाना जब पानी नमी का दौरा आसपास फैली जाए। हाँ, तो फफूंद आने से वो रोकी दे। रोकी दे नहीं। तो इस तरह की जो समस्या है। अच्छा। इससे अपने बचने के लिए कही है कि बोनी का ही समय अपने। हाँ, हाँ। बीज के उपचारित कर देना चाहिए ट्राइकोडर्मा से। तो फिर बता दो यार हमारा तुम। हाँ बताएंगे ना तुम्हारे कहीं ट्राइकोडर्मा से कैसे उपचारित। हाँ, जब हम और उसकी विधि कही है। देखो दादा, नहीं अपना एक उपाय और है कि जैसे अपन गेहूं चना की फसल काट ला। अच्छा। है न? उसका बाद में अपन खेत के वैसे ही छोड़ दा। अच्छा। ज्यादा समय ठीक है, बकरे कर ला। हाँ, सही। तो यो है। हाँ। कि समय से जैसे ही कटाई करी अपन ने और थोड़ी जल्दी अपना जो खेत है। अच्छा। उसकी हल्की गहरी थोड़ी जुताई कर दो। हाँ, मतलब जल्दी तो हाड़ी बकरी दो तो फायदा। हाँ, हाड़ी दो अपना थोड़ा। हाँ। अपना खेत के खुल्लो छोड़ दो। अच्छा अच्छा। तो खुल्लो छोड़ने से कहिए कि जो अपनी धूप पड़े। हाँ, हाँ। तो उससे भी बहुत सारा फफूंद मरी जाए। फफूंद मरी जाए। हाँ, सही सही। देखो। हाँ। अपने जो सोसाइटी से एक पैकेट मिले। अच्छा। इतरो बड़ो राइजोबियम कल्चर को है ने। अच्छा। ये जो अपना जो कल्चर है राइजोबियम कल्चर। हाँ, हाँ। को फायदो है अगर फिर से अपन बीज के उपचारित कर दें। अच्छा। तो ये जो गांठ दिखी रही नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। यह गांठ। हाँ। ज्यादा बन जाए। ज्यादा बन जाए तो ये गांठ को काम यो है कि गांठ बन जाएगा तो पौधा के अपने जो यूरिया की मात्रा मिलेगा जिससे अपना पौधा की बढ़वार अच्छी होगा। अपना फायदा मिले, फायदा मिलेगा। इकालिए कभी भी बीज बोनो उकालिए दो अपने उपयोग करना। एक तो ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना। अच्छा। जिससे कि इस तरह की फफूंद वाली जो बीमारी है। हाँ। जिससे पौधों सूखी जाए वानी लगे। और दूसरा अपनो एक राइजोबियम आय कल्चर, ये दो ही मिला के उपचारित कर दो। अच्छा। तो इस तरह की जो गांठ है वे भी ज्यादा बनेगा जिससे पौधा की बढ़वार में मदद मिलेगा। अच्छा अच्छा। चलो अपन विधि करें, बताए कैसे बीज उपचारित करेगा। हाँ चलो बताओ बताओ। चलो।